नमस्ते दोस्तों, आपकी दोस्त आपके चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत करती है। फ्रेंड्स, क्यों ना आज पहले थोड़ी सी बातें हो जाए, उसके बाद स्टोरी चालू करते हैं। वर्तमान समय में बच्चे सिंगल परिवार में रहने लगे हैं, उन्हें दादी नानी की कहानियाँ हमारी तरह सुनने को नहीं मिल रही है। मम्मी को भी इतना समय नहीं है कि वह अपने व्यस्त समय में आपको कहानियाँ सुना सके, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं ही कहानियाँ सुनाऊँ, ताकि आपको भी हमारी तरह बचपन जीने का आनंद मिले, और वह भी जब तब आपके स्कूल अभी भी नहीं खुले हैं, आप पूरी तरह से घर में ही अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आपकी दोस्त आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर है, और पसंद आने पर अपने उन दोस्तों को भी बताना ना भूलें, ताकि वह भी इसे सुने। आज की कहानी का शीर्षक है नन्ही चुहिया। एक संत बड़े ही ज्ञानी थे। एक दिन जब वह यमुना नदी के किनारे पूजा कर रहे थे, तब एक नन्ही चिड़िया उनके सामने आई। संत को वो चिड़िया बहुत पसंद आई। उन्होंने उसे अपनी विद्या शक्ति से एक छोटी सी लड़की में बदल दिया और उसे घर ले आए। पत्नी से कहा, यह तेरी बेटी है, इसकी देखभाल बहुत ही अच्छे व प्यार से करना। पत्नी उसे बड़े प्यार लाड़ से रखने लगी। कुछ वर्ष बीत गए, वह चुहिया लड़की बड़ी हो गई। अब वह बहुत सुंदर लड़की बन गई। तब उन्होंने सोचा, अब इसकी शादी करनी चाहिए, इसके लिए एक सुंदर योग्य वर ढूंढा जाए। संत ने कहा, हमारी बेटी की शादी सबसे शक्तिशाली वर से होनी चाहिए, इसके लिए सूर्य ही उचित होंगे। बस फिर क्या था, संत ने अपनी मंत्र शक्ति से सूर्य को बुलाया, वह अपनी लड़की से शादी करने के लिए कहा। परंतु लड़की ने कहा, नहीं 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 पिताजी, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती हूँ, ये बहुत गर्म है। यह सुनकर संत बड़े ही दुखी हो गए। तब सूर्य ने कहा, आपकी पुत्री के लिए योग्य वर बादल होगा, क्योंकि वह ठंडा है। तब संत ने बादल को अपनी बेटी से शादी करने के लिए बुलाया, परंतु लड़की ने कहा, पिताजी ये काले और ठंडे हैं, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। पिताजी आप इनसे भी अच्छा वर ढूंढिए। बादल ने कहा, आप पर्वत को चुन सकते हैं, क्योंकि पर्वत बहुत विशाल और बलवान है। संत पर्वत के पास गए, शादी का प्रस्ताव रखा, पर लड़की को यह भी पसंद नहीं आया, उसने फिर मना कर दिया। उसने कहा, नहीं नहीं पिताजी, ये बहुत कठोर और खुरदरे हैं, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। तब पहाड़ ने कहा, मुझसे भी बड़ा चूहा है चूहा, ये सच है कि मैं बलवान हूँ, पर मुझसे भी बड़ा चूहा है चूहा मुझ में बिल बना कर रहता है। तब संत ने चूहे को लेकर आए। जब संत
लड़की चिड़िया ने चूहे को देखा तो खुशी से उछल पड़ी। संत ने एक क्षण सोचा और फिर अपनी शक्ति से लड़की को फिर से चूहिया बना दिया और उसकी शादी चूहे से कर डाली। चूहा और चूहिया खुशी खुशी जंगल में चले गए। तो दोस्तों, एक सोच वाले एक साथ रहते हैं, उन्हें कभी अलग नहीं करना चाहिए। थैंक यू, सी यू, बाय बाय अगेन।